नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, दिल्ली पोस्टल सर्कल, जेपीएससी, मेट्रो रेलवे, एनएचएम, एमपी, बीआईएस, ईपीएफओ, पीजीसीआईएल, केपीटीसीएल, एमएसई, डीसीएल, एसजेवीएन, एनडब्ल्यूपीसीओ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये सिर्फ और सिर्फ अविवाहित पुरुष कैंडिडेट के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 90 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 70% अंकों के साथ, इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास जेईई मेन्स एग्जाम में अपियर होने का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 23 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे दिल्ली पोस्टल सर्कल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का कक्षा 10वीं पास होना, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना और वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 137 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस में डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए, एससीएसटी को 150 रुपए देने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आखिरी तारीख 24 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 104 है। जहां तक ट्रेड की बात करें तो इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 आईटीआई में डिग्री और रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 34 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री फिजियोथेरेपी में या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 20 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nhmmp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है साइंटिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 22 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें सिविल, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% अंकों के साथ और गेट परीक्षा में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, वो भी 2019 या 20 या फिर 2021 में। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 24 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bis.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 42 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और 5 से 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 56 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 9 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.epfindia.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 105 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में और गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। ध्यान रहे यह गेट 2021 एग्जाम में अभ्यर्थियों का क्वालिफाइड होना अनिवार्य किया गया है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 500 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 20 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.powergridindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPTCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1492 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.kptcl.karnataka.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है वायरमैन इलेक्ट्रीशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 150 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का कक्षा 8वीं या 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mahadiscom.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम SJVN की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस बॉय, कुक, हाउसकीपर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 72 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 8वीं या 10वीं या फिर ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 38 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 200 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NEEPCO की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 56 है। जहां तक ट्रेड की बात है तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बॉयलर, प्लम्बर है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का कक्षा 10वीं पास होना और ITI रेलेवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 24 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nipco.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।